नूतन कहानियों में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत। आज की कहानी का शीर्षक है वृद्ध अवस्था में जीवन जीने की कला। बहुत पुरानी बात है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात थे। एक दिन वह एक शहर में गए, वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। सुकरात ने उनसे कुछ देर बात की, वह उन बुजुर्ग से बहुत प्रभावित हुए। बुजुर्ग ने उनसे घर आने का आग्रह किया। सुकरात उनके घर गए, वहां उन्होंने देखा उनका भरा पूरा घर था। घर में बेटे थे, बहुएं थीं, उनके बच्चे थे, सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुकरात ये देखकर बहुत खुश हुए। सुकरात ने बुजुर्ग से कहा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास है, वैसे आप करते क्या हैं? बुजुर्ग बोले, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ईश्वर की कृपा से हमारा अच्छा कारोबार है। सारी जिम्मेदारियां मैंने बेटों को सौंप दी, घर बहुएं संभालती हैं। सुकरात बोले, आप इस बुढ़ापे में इतने सुखी हैं, आपके सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुजुर्ग बोले, मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही सीखा है, बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। बुढ़ापा जीवन का सबसे कठिन पहलू होता है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने बस यही फलसफा अपनाया है कि दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं मत पालो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी संतुष्ट हैं, सारी जिम्मेदारियाँ हमने अपने बेटे और बहुओं को सौंप दी हैं। अब घर के सारे निर्णय वही लेते हैं, जो मुझसे करने को कहते हैं मैं कर देता हूँ, जो भोजन घर में बनता है हम खा लेते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव हमने घर में नहीं बनाया है। अगर हमने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है तो सारी ज़िंदगी उन्हें मेरी बात माननी चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा जीवन निकल गया, अब मैं चाहता हूँ वो लोग अपना जीवन अपने तरीके से जिए। हम अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसते खेलते रहते हैं और मस्त रहते हैं। जब कभी वे मेरे पास राय मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रख देता हूँ, उन्हें सही सलाह देता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मेरी सलाह मानने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करता। अगर वे कोई भूल करते हैं तो उसके दुष्परिणामों से उनको आगाह जरूर कर देता हूँ। सलाह देना मेरा काम है, अब वो सलाह को कितना मानते हैं ये सोचना मेरा काम नहीं है। कभी कभी वो मेरी सलाह मानते हैं, कभी नहीं मानते, मगर मैं चुप रहता हूँ। मेरी सलाह मानने या न मानने का अधिकार भी मैंने उन्हें ही दे दिया है। अगर दोबारा वह किसी समस्या का समाधान ढूंढते हुए मेरे पास आते हैं, मैं अपनी राय उन्हें दे देता हूँ। मेरा मानना है अगर वो कुछ गलत भी करेंगे तब भी उन्हें एक अनुभव मिलेगा। अगर वो कभी गिरेंगे ही नहीं तो संभालना कैसे सीखेंगे? बुजुर्ग की बातें सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इस आयु में जीवन कैसा जिया जाता है ये हर बुजुर्ग को आपसे सीखना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, निश्चिंत रहने के लिए सबसे आवश्यक है माया और मोह का त्याग करना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।